कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरह से एक ग्रीन स्क्रीन के सामने वीडियो शूट करनी है, जिससे कि बाद में एडिटिंग के टाइम पे आपको उस वीडियो को एडिट करने में या बैकग्राउंड रिमूव करने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। तो मैंने बेसिकली उसमें आपको 3 पॉइंट्स बताए थे जिनको आपको ध्यान में रखना है ग्रीन स्क्रीन के सामने वीडियो शूट करते टाइम। और ये जो वीडियो होने वाली है, ये बेसिकली उसी वीडियो की, कल वाली वीडियो की सेकेंड पार्ट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको ग्रीन स्क्रीन पर उन 3 बातों का ध्यान रखने के बाद जो वीडियो शूट किया है उसको लैपटॉप में किस तरह से अच्छे से एडिट करना है। वैसे तो इस बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में, जिसमें मैंने आपको अपना जो जैसे सब्सक्राइब बटन होता है, प्रेस द बेल आइकन बटन होता है या लाइक शेयर वाला बटन होता है, वो भी एक ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो होती है, फुटेज होती है, जिसको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद वो कुछ आपको इस तरह की दिखती होगी। तो वो जो वीडियो होती है वो एक परफेक्शन के साथ बनाई होती है। और यहाँ पे क्योंकि आप एक परफेक्ट वीडियोग्राफर नहीं होते हैं, इसलिए आपको वीडियो एडिटिंग के टाइम पे किस तरह से उसको परफेक्टली ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है, इस बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो चलिए, आगे की जानकारी के लिए सीधे मैं आपको ले चलता हूँ अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, और वहीं पर आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप परफेक्टली एक ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने एक वीडियो इम्पोर्ट किया है जो कि ग्रीन स्क्रीन पे रिकॉर्ड किया हुआ है। और यहाँ पे आपको किस तरह से परफेक्टली यूज़ करना है, ये जो मोवावी वीडियो एडिटर प्लस है, मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको परफेक्टली जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो टाइमलाइन है, वीडियो वाली टाइमलाइन, यहाँ पे एक टाइमलाइन और ऐड कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको बैकग्राउंड्स दिख रहे हैं, जो आपको बैकग्राउंड यूज़ करना है आप उस बैकग्राउंड को यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। और उसके बाद आपको इसके ऊपर वाली टाइमलाइन में वीडियो ऐड कर देनी है। अब आपको ये जो बैकग्राउंड है इसको स्ट्रेच कर लेना है वीडियो के बराबर, चलिए यहाँ तक इसे स्ट्रेच कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टैप कर लेना है वीडियो पे, और यहाँ पे सेटिंग में जाके, और यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, और सिंपली यहाँ पे टैप कर देना है ग्रीन स्क्रीन पे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन है वो रिमूव हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो मेन मकसद मेरा इस वीडियो को बनाने का है वो आपको इन ऑप्शंस के बारे में ही समझाने का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको टॉलरेंस, नॉइज़, एज और ओपेसिटी, ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप वंडरशेयर फिल्मोरा में एडिटिंग करते हैं तो उसमें आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये अलग अलग वीडियो एडिटर पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो मोबाइल वीडियो एडिटर है ये एक बेसिक सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसमें आपको केवल 4 ही ऑप्शन मिलेंगे। और ये 4 ऑप्शन वही ऑप्शन है जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉलरेंस की। तो यहाँ पे इस टॉलरेंस को आप जैसे ही कम करने लगेंगे तो आपको बैकग्राउंड वापस ग्रीन दिखने लगेगा, यानी कि आपको ये ट्रांसपेरेंट होता नज़र आएगा। अगर मैं इसे 0 कर दूंगा तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और वापस ग्रीन स्क्रीन आपको दिखने लगेगी। अगर आप इसको पूरा 90 की हाइस्ट लिमिट में सेलेक्ट करके रखते हैं तो यहाँ पर जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है वो तो क्लियर दिखेगी, लेकिन आपको कभी कभार बीच में जो इमेज है बैकग्राउंड में उसमें नॉइज़ देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे मैं पहले इसके वॉल्यूम को कम कर लेता हूँ ताकि आपको अननेसेसरी वॉइस ना सुनाई दे, और उसके बाद मैं आपको इसे प्ले करके दिखाता हूँ फुल स्क्रीन पे। तो अगर आपकी वीडियोग्राफी में कोई प्रॉब्लम थोड़ी सी भी रहेगी तो आपको बैकग्राउंड पर नॉइज़ दिखाई देगी, लेकिन अभी क्योंकि मैंने परफेक्टली वीडियो शूट की है तो आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए आपको ये जो टॉलरेंस की लिमिट है इसको सोच समझ के सेट करना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब आप इसको 90 पे सेट करते हैं तो इस पर नॉइज़ आने लगती है, तो इसलिए आपको इसको हाइस्ट पे भी सेट नहीं करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं नॉइज़ की। तो ये जो नॉइज़ का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है वो आपकी बैकग्राउंड इमेज के लिए दे रखा है। ये इसलिए दिया होता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैकग्राउंड इमेज में नॉइज़ आए, यानी कि अगर आप जानबूझ के नॉइज़ डालना चाहते हैं तो आप इसको कम या ज़्यादा करके इसकी नॉइज़ घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एजेस पे आ जाते हैं। तो एजेस यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट सेट हो रखा है वो 1 नंबर पे हो रखा है। अगर आप इसको हाईएस्ट लिमिट तक बढ़ाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह की
ये वीडियो दिखाई देगी। आप देख सकते हैं जो नॉइज़ है एजेस पे वो काफ़ी ज़्यादा है और आपको ब्लर टाइप की दिखेगी, यानी कि एक स्मूथनेस आपको नहीं नज़र आती है अगर आप इसको हाईएस्ट लिमिट पे सेट करते हैं। तो इसके लिए आपको इसको अगर आप जीरो पे रखें तो वो सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप जीरो पे करके देखें तो आप देख सकते हैं कि जो स्मूथनेस है वो काफ़ी बढ़ गई है और वीडियो चलाने के बाद आपको पता नहीं चल पाता है कि जो बैकग्राउंड है वो दूसरा चेंज करके लगाया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे ओपेसिटी की। तो ओपेसिटी जो डिफ़ॉल्ट सेट है यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 नंबर पे सेट है और आप इसको हाईएस्ट 99 तक ले जा सकते हैं और लोएस्ट 0। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं इसे 99 पे ले गया तो जो बैकग्राउंड इमेज है वो काफ़ी धुंधली सी हो गई है और काफ़ी उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो गई है। तो यहाँ पे अगर आप ओपेसिटी को बढ़ाते हैं तो जो बैकग्राउंड की इमेज है या बैकग्राउंड की जो वीडियो है, जो भी आपने बैकग्राउंड में रन कर रखा है, बैकग्राउंड में ऐड कर रखा है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से आपकी अगर वीडियो परफेक्टली सूट हो रखी है तो इसको आपको 4 या 5 पे सेट कर लेना है, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप इसको 0 कर देंगे तो 0 करने के बाद आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा सर वाला हिस्सा है वो गायब हो चुका है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो वीडियो आपकी फ्रंट में रन कर रही है उसको भी ब्लर करना शुरू कर देगा या उसमें नॉइज़ भरना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसको आपको 4 या 5 में सेट करके रखना है। ये जो ओपेसिटी है यहाँ पे आपकी कुछ लाइटनिंग कंडीशन पे भी डिपेंड होती है। अगर आपकी लाइटनिंग कंडीशन 100% परफेक्ट है तो आपको ये ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ानी पड़ सकती है या कम करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो मैं एक नॉर्मल लाइट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि एक नॉर्मल 30 वॉट का LED बल्ब से जितनी अच्छी खासी रोशनी होती है उसके लिए आप इसे 4 या 5 नंबर पे सेट कर सकते हैं। अगर आपकी लाइटनिंग कंडीशन कुछ डिफरेंट है तो उसके हिसाब से आप इसे आगे पीछे करके ट्राई कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका बेस्ट रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और वीडियो में बताई थी कि जो आपको कैमरा से स्मार्टफोन से रिकॉर्डिंग करनी है वो नॉर्मल मोड में करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के दौरान आप कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली ये मेन वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है और ऊपर कलर एडजस्टमेंट पे चले जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ब्राइटनेस 20 कर देता हूँ, उसके बाद कंट्रास्ट भी 20 कर देता हूँ, यहाँ पे जो सैचुरेशन है इसको 1.20 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, हाइलाइट्स, गामा, शेडोज़, ह्यू, टेम्परेचर एंड टिंट। तो आप यहाँ पे आपको जिस तरह की भी वीडियो में कलर ग्रेडिंग चाहिए आप उसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टेम्परेचर अगर हल्का सा बढ़ा दूंगा तो थोड़ा रेडिश सा वीडियो हो जाएगा, यानी कि मेरा फेस जो है वो थोड़ा रेडिश हो जाएगा, जो कि थोड़ा सा कूल लगता है देखने में। तो इसकी मदद से आप आराम से कलर एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो को मिला के कि किस तरह से आपको वीडियो शूट करनी है ग्रीन स्क्रीन के सामने और किस तरह से उसको कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में एडिट करना है, ताकि आप अच्छे से अपने ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करके उसकी जगह कोई और बैकग्राउंड यूज़ कर सकें। तो बस यही कुछ था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।